तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही बहराइच वासियों को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। तो वहीं सीएम योगी ने बहराइच के बाद महाराजगंज जिले को करोड़ों की सौगात दी। सीएम योगी ने इस दौरान एक सभा को भी संबोधित किया और कहा कि आजकल देश में किसानों को बरगलाने की कोशिशें की जा रही हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर देश और प्रदेश में भारी अव्यवस्थता, अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है। भारत की स्वाधीनता के उस अमर यज्ञ में जो आहुति दी, आज उसके प्रति कृतज्ञता हर भारतवासी करता है। और ठीक कहा यहां पर मुकुट बिहारी वर्मा जी ने कि आज भी हर भारतीय परिवार जब भी अपने पुत्र को आशीष देता है तो यही कहता है कि तुम महाराणा प्रताप की तरह बनो, छत्रपति शिवाजी की तरह बनो, गुरु गोविंद सिंह की तरह बनो। मातृभूमि के प्रति सद्भाव समर्पण का यह भाव युगों तक व्यक्ति को जीवित बना देता है, अमर बना देता है। इसका मतलब गन्ने की खेती उससे पहले से थी और गन्ने की खेती के माध्यम से उत्पादन अधिक मुनाफा कमाना यहां के किसान पहले से करते थे। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून है वह प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है वह एक विकल्प है, बाध्यता नहीं। किसान को लगता है उसे लाभ मिलेगा तो करे, नहीं लगता तो किसान कतई किसी के साथ कॉन्टेक्ट न करे, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन कुछ लोग जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, वे लोग किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके अव्यवस्था और अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं।